हाय गाइस, माय नेम इज सुजो एंड यू वाचिंग आवर व्लॉग। जो लोग चैनल पर नए हो वो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर हर रोज़ व्लॉग आते हैं मज़ेदार। और भाई, जिन्होंने मतलब पहले मेरा वीडियो देखे होंगे और अब देख रहे हो, तो भाई अब लोगों को पता तो है ही। मैं थोड़ा सा अपने प्लान का चेंज कर रहा हूँ। मतलब भाई, बहुत दिन हो चुका है मैं यूट्यूब पर मेरा जर्नी स्टार्ट कर भी दिया, पर भाई इम्प्रूवमेंट दिखने को नहीं मिल रहा है। तो मैं सोच रहा था कि भाई इंस्टा पर अगर मैंने ब्लॉग स्टार्ट करूँ तो भाई आप लोगों ने भाई मैंने एक वोटिंग का मतलब एक दिया था कि भाई मैं मिनी ब्लॉग करूँ या फिर नहीं करूँ, ठीक है। तो आपने आप लोगों ने भाई वो येस पर भी कुछ लोगों ने दिया और नो पर भी कुछ लोगों ने दिया। देखो, मैं इंस्टा पर स्टार्ट क्यों करना चाहता हूँ, क्योंकि भाई देखो, मैं ये मतलब देखा हो कि भाई मानो एक वीडियो मैंने इस यूट्यूब पर मतलब अपलोड किया, और एक वीडियो को मैंने फेसबुक पर अपलोड किया, और एक वीडियो को मतलब ये सेम टू सेम वीडियो को ही मैंने इंस्टा पर भी पोस्ट किया। तो भाई इससे ना एक प्लेटफॉर्म पे ना व्यूज़ मतलब आती है, ठीक है। मतलब मान लो भाई एक वीडियो यूट्यूब पर वायरल नहीं है, पर भाई वो फेसबुक पर ही जा सकता है, पर इंस्टा पे तो भाई बिल्कुल ही जा सकता है, ठीक है। पर भाई मेरा फेसबुक का पेज मैंने स्टार्ट किया पर चलाया नहीं, क्योंकि भाई मेरा थोड़ा मतलब सपोर्टिंग हैंड चाहिए, पर भाई मेरे को हो नहीं रहा था, ठीक है। तो इसलिए मैंने अपने पेज को छोड़ दिया। मतलब क्या, मतलब वीडियो छोड़ना वहाँ पर छोड़ दिया। पर भाई अब लोगों ने वैसा सपोर्ट दिखाओ कि भाई मेरे को लगे कि भाई हाँ अब स्टार्ट कर सकता हूँ, तो भाई तब स्टार्ट करूँगा। वैसा कुछ वहाँ पर भी इम्प्रूवमेंट नहीं है, और यूट्यूब पर तो इम्प्रूवमेंट बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। तो इंस्टा पे थोड़ा सा ट्राई करने को सोच रहा था, पर आप क्या क्या राय है भाई इसमें बताओ, ठीक है। ये सोच मेरे दिमाग में आया तब जब मैंने अपने एक दोस्त का वीडियो देखा यूट्यूब पर, देखा तो उसका भाई 15-16 ऐसे व्यूज़ आ रखे हैं, ठीक है। पर भाई इंस्टा पे जब मैंने उसका वो सेम टू सेम वीडियो को जब चेक किया, उसमें देखा 64,000, 56,000 एंड 1,00,000 के आसपास भाई व्यूज़ तक गई है, ठीक है। वो जो व्यूज़ वगैरह आ रहे हैं ना, वो अच्छी तरह कंसिस्टेंसी रखकर अगर करेगा और एक अच्छी तरह अच्छी कंटेंट देगा, तो भाई सब्सक्राइबर मतलब वो व्यूज़ उसका फॉलोअर्स भी बन सकता है, जो भाई मैं करना चाहती हूँ। तो भाई अब लोग दिल से बताओ कि मैं स्टार्ट करूँ कि नहीं करूँ। मेरे को तो लगता है भाई स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि मैं जिस भी ब्लॉग को यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूँ वो उसके बाद मैं उसको डिलीट कर देता हूँ। पर भाई यूट्यूब पर अपलोड करने के बाद मैं इंस्टा पर अपलोड करूँगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा कि भाई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि भाई थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। पर भाई चलो देखते, बहुत दिन हो चुका है यूट्यूब पर स्टार्ट करते हुए, पर भाई अभी तक वैसा कोई सिग्नल नहीं मिला जिससे मेरे को लगे हाँ भाई यहाँ पर मैं सेव। तो इन दैट्स वे मैं थोड़ा सा ट्राई करना चाहती हूँ। तो चलो आज का वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते, और कल आने वाले एक ज़बरदस्त जर्नी ब्लॉग, और कल रथो यात्रा है, मतलब बंगाली लोगों का रथो यात्रा है, तो जगन्नाथ पुरी में बहुत ही ज़्यादा फेमस है भाई। तो मैं निकलने वाली हूँ कल, मतलब पुरी के लिए नहीं भाई, यहाँ पर निकलने वाली हूँ। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। यहाँ का जो मतलब मोस्ट ट्रेंडिंग जो प्लेस रथ यात्रा में है, तो वहाँ पर जाऊँगा मैं कल, मैं और मेरा एक दोस्त। वहाँ जाके क्या कुछ करती हूँ वो सब देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कर दो, और मिलते कल के ब्लॉग पे। कल के ब्लॉग मोस्ट ब्यूटीफुल वीडियो होने वाले, और मेरे को तो ऐसा ही लगता है। चलो देखते, बाय बाय।